जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आपको अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताना है, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, यानी कि नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप नाराज, आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब केपी की वाणी पर निशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय अथवा संकोच ना करें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है। ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। समय के अभाव के चलते आपको जवाब देने में विलंब हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियोज में दिया जाएगा, ताकि आप केपी की वाणी से जुड़ सके। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शादी के सीजन में लड़के और लड़कियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, वहीं माता पिता भी लड़के और लड़कियों की शादी के लिए चिंतित हो उठते हैं, जबकि रिश्तेदार और प्रियजन में उत्साह का माहौल रहता है, क्योंकि उन्हें शादी में जमकर नाचने और गाने का अवसर मिलता है। हालांकि शादी ऊपर वाले की कृपा से होती है, उन्होंने ही सबकी जोड़ियां बनाई है और तय समय पर सबकी शादी हो जाती है, इसलिए आप अपने समय का इंतजार करें। ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर, कुंडली देखकर, राशि और दिन देखकर शादी की गणना और भविष्यवाणी की जाती है। अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं तो आप केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें। इस वीडियो में आपको तुला राशि वालों की कब, कहां, कैसे और किस नाम से शादी होगी, इसकी जानकारी प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह जानकारी जन्मतिथि अनुसार से दी जा रही है, इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव कुंडली देखने के बाद हो सकता है, हालांकि जन्म तारीख में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको 70 सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके परामर्श और सलाह का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तुला राशि की शादी योग 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। इस राशि के लड़के और लड़कियों की शादी GMT नाम से होने की संभावना रहती है। हालांकि अगर शादी सिंह राशि से हो यानी कि M नाम से हो तो ज्यादा बेहतर होता है। तुला राशि की शादी आग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में होती है। तुला राशि के लड़कों की शादी जी यानी कि गरिमा, मोहिनी, टीना, माधुरी नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। इसे आप आसान शब्दों में इस तरह समझें कि GMT नाम से हो सकती है। वहीं तुला राशि की लड़कियों की शादी गणेश, मनीष, टिंकू, तिलक, महेंद्र नाम से होने की संभावना रहती है। यह गणना आपको जन्मतिथि के अनुसार से दी गई है। आइए अब अंक ज्योतिष के अनुसार से जानते हैं कि तुला राशि के शादी के योग कब बनते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार तुला राशि के जातकों की शादी के योग महज 20 वर्ष से बनने लगते हैं। तो अगर आपकी आयु 20 वर्ष हो चुकी है तो आपकी शादी के योग बनने लगे हैं, जबकि शादी की संभावना 31 वर्ष तक रहती है। अगर किसी जातक की शादी में देरी हो रही है तो आप चिंतित ना हो, क्योंकि तुला राशि के जातकों की शादी के योग 31 वर्ष तक बनते हैं। शादी का महीना जनवरी अथवा दिसंबर हो सकता है। आइए अब दिन अनुसार से जानते हैं कि तुला राशि के जातकों की शादी के योग कब से बनते हैं। तो मंगलवार को जन्मे तुला राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग महज 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। बुधवार को जन्मे तुला राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनते हैं, जबकि गुरुवार को जन्मे तुला राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग इनके एक वर्ष यानी कि बाद 22वें वर्ष से बनने लगते हैं। शुक्रवार को जन्मे तुला राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं। शनिवार को जन्मे तुला राशि और लड़कियों की शादी के योग महज 17 वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि रविवार को जन्मे तुला राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं, और सोमवार को जन्मे तुला राशि लड़के लड़कियों की शादी के योग 20वें वर्ष से बनते हैं। तो साप्ताहिक जीवन गणना के आधार पर शनिवार को जन्मे तुला राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग सबसे पहले बनते हैं। आप अपने दिन अनुसार से भी अपनी गणना जान सकते हैं। किस उम्र में होगी शादी, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि कुंडली और हस्तरेखा से शादी की गणना सटीक की जाती है। तो आइए पहले हस्तरेखा से जान लें। तो जैसा कि आपको पहले के वीडियो में बताया गया, अगर आपको पता नहीं है और आप पहली बार केपी की वाणी पर विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि हस्तरेखा में हृदय रेखा और छोटी उंगली के बीच विवाह रेखा होती है। यह विवाह रेखा अगर लंबी हो
और धुंधली ना हो तो शादी के योग बनते हैं। अगर अगर विवाह रेखा हस्त में ना हो तो विवाह की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर हृदय रेखा और विवाह रेखा के बीच नजदीक निकटता हो तो शादी शीघ्र होती है। अगर विवाह रेखा छोटी उंगली के समीप हो तो शादी में बहुत देरी होती है। इस उम्र में होगी शादी तो जैसा कि आपको बताया गया है कुंडली में सातवें घर से शादी की गणना की जाती है। कभी कभी कई ज्योतिष पांचवें घर से भी गणना करते हैं। तो पांचवें घर के अनुसार से अगर पांचवें घर में गुरु की दृष्टि हो और ग्यारहवें घर में भी गुरु की दृष्टि हो एक साथ हो शादी उसी वर्ष होती है। इसके अलावा सातवें घर से शादी की सटीक गणना की जाती है। तो आठ ग्रह के हिसाब से शादी की गणना की जाती है। इनमें चार को शुभ ग्रह माना गया है और चार को अशुभ ग्रह माना गया है। शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र रवि चंद्र को माना गया है जबकि अशुभ ग्रह मंगल राहु केतु और शनि को कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु केतु के आने से जिंदगी में बहुत बाधाएं आती हैं तो शादी में भी बाधाएं आती हैं। इसी प्रकार मंगल के रहने पर शनि के रहने पर भी शादी में बाधाएं आती हैं। तो आइए अब बारी बारी से जानते हैं। तो शुभ ग्रह के हिसाब से पहले जान लेते हैं कि शादी कब होती है। तो बुध के रहने पर 20वें वर्ष से योग बनने लगते हैं, गुरु के रहने पर 24वें वर्ष से योग बनने लगते हैं, शुक्र के रहने पर 25वें वर्ष से योग बनने लगते हैं, चंद्रमा के रहने पर 26वें वर्ष से योग बनने लगते हैं और सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से योग बनने लगते हैं और कभी कभी 27वें वर्ष में भी शादी हो जाती है। जबकि मंगल के रहने पर 28वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं। अगर मंगल आंशिक है तो 27 वर्ष में, अगर प्रबल है तो 28 के बाद शादी के योग बनते हैं। अगर राहु केतु साथ में हो तो 28 के बाद शादी ही के योग बनते हैं। अगर शनि हो तो 30 वर्ष में शादी होती है। अगर मंगल राहु केतु शनि सभी एक साथ हो तो शादी में बहुत देरी होती है। ऐसा मिलेगा जीवन साथी। अगर सूर्य साथ में घर में बैठा हो तो जीवन साथी का रंग गेहुआ होता है। जीवन साथी सामान्य कदकाठी का हो सकता है। उनके चेहरे पर ओज और व्यवहार में क्रोध नजर आ सकता है। अगर कुंडली के सातवें घर में चंद्रमा स्थित हो तो जीवन साथी गोरे रंग का प्राप्त हो सकता है। आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है। उनके विचारों में सौम्यता एवं शीतलता जरूर मिलेगी। अगर कुंडली के सातवें घर में मंगल हो और मंगल अशुभ हो तो जीवन साथी बड़े ही क्रोधी और उग्र स्वभाव का मिलता है। साथ ही वह उनका स्वभाव बेहद ही उग्र हो सकता है। अगर कुंडली के सातवें घर में मंगल हो और मंगल अशुभ हो जीवन साथी क्रोधी और उग्र स्वभाव का मिलता है। जबकि जीवन साथी का क्योंकि मंगल के प्रतिकूल रहने पर जीवन साथी दुबले पतले और चिड़चिड़ा हो सकता है। सातवें घर में अगर बुध बैठा है तो व्यक्ति को जीवन साथी ईमानदार समझदार और बातचीत में निपुण रहने वाला मिल सकता है। गुरु अगर सातवें घर में स्थित है तो जीवन साथी गोरे रंग का होता है। उनके चेहरे पर पीली आभा रहती है। धर्म कर्म के प्रति इनमें अधिक आस्था रहती है। अगर सातवें घर में शुक्र बैठा है तो आपका जीवन साथी बेहद रोमांटिक और शौकीन किस्म का हो सकता है। उन्हें सौंदर्य प्रसाधनों में ज्यादा लगाव रहेगा। अगर कुंडली के सातवें घर में शनि है तो आपका जीवन साथी सांवले रंग का होगा और आपकी उम्र से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि 2 साल या 5 साल का बड़ा हो सकता है। घर से कितनी दूरी पर होगी आपकी शादी, तो जैसा कि आपको बताया गया ज्योतिष में सभी प्रकार की गणना की गई है। इसी गणना के आधार पर यह भी गणना की जाती है कि विवाह कितने दूर पर होगी और यह गणना सप्तम भाव से ही की जाती है। तो अगर कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र शुक्र तथा गुरु या सूर्य भी हो तो घर के आसपास ही शादी होती है। अगर सप्तम भाव में वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित है तो घर से 90 किलोमीटर की दूरी पर शादी होती है। अगर सातवें घर में मिथुन कन्या धनु या मीन राशि स्थित है तो शादी घर से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है। इसी के साथ अगर सप्तम भाव में मेष कर्क तुला और मकर है तो ससुराल घर से 200 किलोमीटर के अंतर रहता है। यदि सप्तमी सप्तम भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होगा या लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ लेकर विदेश भी जा सकता है। ऐसे होगी आपकी शादी, लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी। आपको बता दें कि जन्म तारीख के अनुसार से यह गणना की जाती है आपकी शादी लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी। हालांकि इसके लिए मूलांक की जरूरत पड़ती है, यानी कि मूलांक के हिसाब से ही शादी की गणना की जाती है। तो मूलांक 9 है, 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक है उसी आधार पर जन्म तारीख के अनुसार गणना की जाती है। तो अगर 1 से 9 के बीच में आपका जन्मदिन हुआ है या 1-9 तारीख के बाद आपका जन्मदिन हुआ है तो इसके लिए गणना मूलांक कैसे जाने, तो आपको बता दूं कि अगर आपका जन्म तारीख 17 तारीख है तो आप 1+7 यानी कि 8 हुआ, तो आप जन्म तारीख को 1+7 यानी कि 8, आपका मूलांक 8 हो गया। इसी तरह अगर आपका जन्म 24 तारीख को हुआ है तो 2+4 यानी कि 6 यानी कि आपका मूलांक 6 हो गया। इसी अनुसार से गणना की जाती है मूलांक की। तो अगर आपका जन्म तारीख 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 31 तारीख के दिन हुआ है तो लव मैरिज की संभावना सबसे अधिक है। जबकि 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख के दिन अगर आपका जन्म हुआ है आदि माता पिता की सहमति से होगी। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य मैं आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु ही लें। अगर इसके अतिरिक्त आप मानते हैं अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं
तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से जरूर संपर्क करें। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कुंडली देखकर आपकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की यानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी लाइक कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबके प्यार और स्नेह के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वाकई में आप लोगों का प्यार बेहद निराला है और इससे केपी की वाणी के सभी लोग काफी खुश हैं। आशा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे और अपनी शुभकामनाएं देते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूं। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, माता रानी कृपा आप पर बनी रहे, माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां दे और सुंदर सी दुनिया दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।